तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का गरम हो चुका है। इधर देख सकते हैं तो मस्त टाइप से एकदम तेल डाल रहे हैं ना जी, तेलों में गिरने लगा ना, तेल का भी कमी हो गया। तो हम लोग तो मस्त ऐसे एकदम दिखने लगा चिकन, देखिए ढक के ही हो गया एकदम, फ्राई हो गया एकदम मस्त ऐसे एकदम। स्वागत है फ्रेंड गोलू फैमिली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ हम भले होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी नाइट का टाइम हो रहा है, यानी कि रात का टाइम हो रहा है। रात के टाइम देख सकते हैं गोलू में क्या काम कर रही है, मसाला पीस रहे हैं ना, और हम बैठे हुए दोस्तों। स्पेशल बनने वाला है दोस्तों, मतलब तो बहुत दिन से हम लोग खाए नहीं थे तो सोचे आज स्पेशल कुछ बना लेते हैं। और क्या तो दोस्तों देख सकते हैं गोलू की माँ का पिसा हुआ कंप्लीट हो गया है, और इधर देख सकते हैं क्या अभी आग जलाने जा रही है। और फाइनली दोस्तों हम लोग क्या बनाने वाले हैं दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए मस्त है एकदम चिकन बना, चिकन ला के रखे हैं दोस्तों। देखिए एक थाली भर के जो चिकन है, यही थाली भर के चिकन में दोस्तों हम लोग अभी चिकन बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से खाए नहीं थे ना जी। लगभग एक महीना पार, एक महीना से भी ज़्यादा पार हो गया ना, डेढ़ दो महीना हो गया दोस्तों कि हम लोग खाए नहीं है। तो सोचे आज हम लोग चिकन खाते हैं रात के, ऐसे दिन के टाइम पर हम लोग काम काज में फ्री नहीं रह पाते हैं, इसलिए सोचे रात के टाइम ही बनाते हैं। आज देख सकते हैं मेरा गोलू बेटा भी अभी तक जगाया हुआ है ना गोलू, अब इसका नौटंकी देख रहे हैं, रात काफ़ी रात हो गई नहीं फिर भी जगाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इधर गोलू की माँ आग जला रही है, और देखिए हम लोग का ये देख सकते हैं प्याज भी हम लोग का रेडी हो गया है, और इधर एकदम मस्त टाइप से मसाला था, आप लोग देख ही लिए पीसते पीसते, देखिए एकदम कितना ज़्यादा मसाला है, देसी सिलेट में पीसे एकदम एकदम देसी वाला सिलेट था, आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग कैसा है। फिलहाल अभी दोस्तों आग जल गया है ना जी, कढ़ाई को कहाँ रखिए, कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल रही है, उसके बाद हम लोग चिकन बनाएंगे दोस्तों। चिकन बाद बहुत दिन बाद खाने आ रहे हैं गोलू बेटा, हम लोग को पीछे से देख रहा है, अपना मस्ती कर रहा, देख रहे हैं कैसा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इधर हम लोग का कढ़ाई गरम हो रहा है, तब तक हम लोग आराम से तेल फुलाते हैं क्या, अंदर में तेल है दोस्तों, ले आते हैं तेल, नमक, हल्दी, मिर्चा, ये सब रखने जा रहे हैं दोस्तों, जा रहे हैं हम तेल लाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का गरम हो चुका है, इधर देख सकते हैं तो मस्त टाइप से एकदम तेल डाल रहे हैं ना जी, तेलों में गिरने लगा ना, तेल का भी कमी हो गया हम लोग का, देखिए कितना ज़्यादा तेल दिया जा रहा है, क्योंकि चिकन उतना भी है उसके साथ प्याज भी। क्या हुआ बेटा, गोलू को लग गया दोस्तों, यहाँ पे गोलू दिखा रहा है, देखिए रे त्री रे ठीक है बोलते हैं, गोलू का खून निकल गया जी यहाँ पे ही, चंदने पोए उसी का अंदर था। तो दोस्तों देख सकते हैं सानवी बेटी और गोलू बेटा लोग झाल नहीं खा पाता है, इसलिए क्या कर रही, सानवी अभी सो जाएगी, देखिए सानवी आई है, सानवी बोल रही है क्या हमको करजी पुड़ा दीजिए, पुड़ा देता हूं, सोच रहे हैं कलेजी में हल्का नमक देंगे, नमक दे दे रहे हैं, मस्त टाइप से कलेजी दिख रहे लग रहा है एकदम क्या, अच्छा नमक दे दिए, अब इसको सीट में घुसा दिए, अब इसको आग में डाल दीजिए, आग में जैसे पहले के टाइम जला के खाते थे वैसे हम उसी टाइप से हम जला रहे हैं, क्योंकि इन लोग मतलब तीखा खाती नहीं है झाल उतना। अरे अभी सो जाएगा ना क्या, बनते बनते गोलू बेटा देख सकते मेरे बंदर जैसे चढ़ल है, लटकल है अभी, इतना रात हो गया फिर भी सोया नहीं है, इसको चीची खाना है ना इसीलिए, देख रहे हैं सानवी करे चीची खाबो, अरे तो चीची को साथ देते हैं यहाँ पे क्या। तो देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, अच्छा डाल दे तेज पत्ता डाल देगी वो खुद, ज्यादा गरम हो गया लग रहा है ना जी, ज्यादा गरम नहीं, चंदन प्याज से काटा है ना, अच्छा पानी था इसीलिए, क्या हुआ। तो दोस्तों देख, अच्छा दवा लगा देंगे बार बार इसको लग गया ना इसीलिए, देखिए दोस्तों हम लोग का प्याज मस्त टाइप से डाल चुके हैं यहाँ पे, चंग चंगाते और तेज पत्ता भी डाला गया है, और अभी हम बाद में डालेंगे दूसरे हम लोग का चिकन, और गोलू का यहाँ पे ये तो फ्राई हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सीट में फ्राई हो रहा है, चलिए फ्राई होने देते हैं, और प्याज को हम लोग तब तक फ्राई करते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं गोलू कुमार प्याज को अच्छी तरह से चला दी है, अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे ना जी, नमक डाल दीजिए हल्का सा ठीक रहेगा, गलेगा जल्दी क्या, पहले नमक डालने से क्या होता है कि प्याज गल जाता है, गोलू का लग गया थोड़ा सा, हम इसको देखते हैं तब तक क्या, चलिए फ्राई होने देते हैं दोस्तों, तब तक गोलू का थोड़ा दवा लगा देते हैं। हाँ बेटा, तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का प्याज पूरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, हाँ तो पाउडर तो लगा दी बेटा, दवा भी दे दिए, और ये देख सकते हैं अब मसाला डाल रहे हैं हम लोग, देखिए पूरा मसाला को फ्राई कर देते हैं, अब इधर हल्दी के साथ में हल्दी दे दे ना, चलिए हल्दी भी फ्राई हो जाएगा ना, देख सकते हैं सानवी बेटी भी लाइन लगा के खड़ी है, जो हम लोग को जलाने के लिए दिए है ना, एक बार खा के आ गई फिर से खाएगी अभी, इसलिए लाइन लगा के, ये देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से मसाला को पूरा फ्राई कर दिया जा रहा है, एकदम देख के एकदम एक नंबर लग रहा है मसाला, एकदम देखिए मस्त है, फ्राई होने लगा एकदम,
मजा आ जाएगा जब लोग को चिकन भात खा के एकदम गोलू भी ताक लगा के हैं। दोनों खा लिया एक बार चिकन ना गोलू, खा गया गोलू। और खोज रहा देखिए गोलू तुम्हें और जला दिए यहाँ पे, जला जला के ही लोग खाएगा एकदम, लग रहा बना के नहीं खाएगा। जा ठंडा करके खाना, ठंडा करके खाना। चलिए दोस्तों इसको हम लोग इसको फ्राई होने देते हैं तब तक। आज वो गोलू भी खाने को ही रहा दिए और जलाने। तो इधर दोस्तों देख सकते हैं गोलू का एकदम चिकन जल के रेडी हो गया। देखो गोलू ही हमारा वाला चिकन है, गोलू खाएगा ना गोलू। और उधर हम लोग का मसाला भी फ्राई हो गया है, अब चिकन डालेगी गोलू की माँ। लीजिए डाल दीजिए, ये देखिए चिकन को डाल रही है। ये मस्त ऐसे डाला गया चिकन एकदम फ्राई होगा ना, क्या हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों मसाला को अच्छी तरह से मिलाया जा रहा है। आओ ले जाओ, एकदम मस्त टाइप से मिलाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं हम। तो इधर दोस्तों देख सकते हैं हम लोग फ्राई होने के लिए थोड़ा सा इसको पूरे अच्छी तरह से गोलकमा मिला दी है और इसको थोड़ा सा ढक दिया जाएगा ना जी। तो थोड़ा सा ढक दीजिए, ये देखिए दोस्तों ढक दे रही है। उसके बाद कुछ टाइम 5 मिनट जैसा छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कितना मस्त ऐसे धीरे धीरे बनते जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का 5 मिनट हो चुका है, अब उघार के दिखाइए जी कैसा हुआ। ये देखिए दोस्तों हम लोग तो मस्त ऐसे एकदम दिखने लगा चिकन, देखिए एकदम ढक के ही हो गया एकदम फ्राई हो। देखिए दोस्तों मस्त ऐसे बन गया हम लोग का चिकन एकदम, देखिए फ्राई करके खाने में एकदम मस्त एकदम मज़ा लगेगा। लेकिन हम लोग को चावल भी खाना है, इसलिए देखिए और थोड़ा सा होने देते हैं ना, और थोड़ा सा 2-4 मिनट अपना टाइम अनुसार। और जिस तरह से आँच रहेगा, जिस तरह से टेम्परेचर रहेगा दोस्तों, उसी तरह से करना है। चलिए दोस्तों हम लोग का कुछ टाइम बीत गया है, अब क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। उघरिए जी फिर से देखते हैं, ये देखा रहा दोस्तों, देखिए पूरा अच्छी तरह से पूरा फ्राई हो गया है ना। अब पानी उन्हें दे दीजिए जी, एक मसाला भी जलने लगेगा एकदम। देखिए एकदम देखने में एकदम लग रहा है कि हाँ भाई चिकन मुँह में पानी आ जा रहा होगा क्या। चलिए दोस्तों क्या करते हैं हम भी अभी बैठ जाते हैं, इधर आराम से बैठ जाते हैं अभी। इधर गोलक में पानी देगी दीजिए जी, ये देखिए पानी। चलिए ये रहा दोस्तों मस्त ऐसे पानी, ज़्यादा पानी मत दीजिए क्या, हल्का ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग को चावल के साथ अभी खाना है ना, इसीलिए हल्का पानी दिया जा रहा है क्या। इतना समय हो जाएगा? हाँ इतना में हो जाएगा क्या, काफ़ी है। तो दोस्तों हम लोग का तो पानी दिया हुआ कंप्लीट हो गया, कढ़ाई में मस्त टाइप से दिया गया है। अब थोड़ा सा अब उबलने देते हैं, ढक देते हैं। और कहाँ दे रहे हैं पानी, ढप उठ लेके घूम रहे हैं हमको लग रहा है, और पानी दे दीजिएगा ना क्या। तो दोस्तों कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं उबलने के लिए, उसके बाद हम लोग खाएंगे मस्त टाइप से उतार के एकदम मुर्गा भात। तो दोस्तों देख सकते हैं गोलक माँ उघार के देख रही है, तो आ कि नहीं हो गया है जी, उतार दीजिए क्या। हो ही गया, उतार दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं रखे हैं कढ़ाई, रखे इसमें तेल है दोस्तों। तो हम लोग का पहले का जो कढ़ाई यूज होता है वही वाला हम लोग का है, और इधर पापड़ है उसको छानने वाला है हम लोग क्या। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको उतार दीजिए जी, पापड़ छान के आप लोग से मिलते हैं खाते वक्त में अभी। इधर दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का मस्त वाला चिकन बन के रेडी हो गया, और इधर गोलू में सबको पापड़ दे रही है हल्का हल्का करके, सबका थाली में लग गया। देखिए हम लोग का सारा मेंबर का थाली, मम्मी का भी नहीं लगा है, मम्मी बाद में खाएगा। गोलू बेटा तो सूत गया, सानू बेटी भी सूत गई। तो चलिए अभी हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, बाहर में ले चलते हैं क्या जी, पूरा गर्मी लग रहा है। हाँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग दोनों मुर्गा भात लेके रेडी हो गए हैं ना जी। हाँ। हमें पापड़ भी ले लिए हैं, आप देख सकते हैं थाली में पापड़ है और मुर्गा है, और कटोर देखिए मस्त टाइप से लगने लगा है देख के ही, आप लोग पहले ही देख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी को इन्वाइट भी है, आप लोग आइएगा जरूर खाने के लिए मेरे घर। तो चलिए अभी काफ़ी रात भी हो गई है, ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद है आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आज जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।